दोस्तों ये वीडियो इन जनरल काफ़ी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे फ़ोन खोते रहते हैं। वैसे जिसका फ़ोन खो जाए उसे मिलेगा कैसे, हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है। आप अपनी ईमेल आईडी से ही अपने फ़ोन का पता लगा सकती हो। अपने या किसी का भी फ़ोन खो गया है उसका ईमेल आईडी पता है तो आप उसका पता लगा सकती हो। लेकिन कैसे इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा, आसान सा तरीका है, छोटा सा वीडियो है, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सत्या, आप सभी का स्वागत है मेरे रूप नॉलेज टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। चलिए प्रॉपर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, जरूर से वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में ये छोटा सा बेल आइकॉन है, बेल आइकन बाकी ऑल पे सेट कर दीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए न्यू ट्रिक्स, ये छोटा सा कमेंट लिख कर सेंड कर देना। दोस्तों अगर आपका फ़ोन गुम हो गया या फिर आपके दोस्त का फ़ोन खो गया, अपने ईमेल आईडी से कैसे पता लगा सकते हो इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले जीमेल ओपन कर लीजिए। जीमेल ओपन करने के बाद राइट साइड ऊपर देखिए प्रोफाइल फ़ोटो आइकन है, प्रोफाइल फ़ोटो के ऊपर क्लिक कीजिए। नीचे देखिए ऑप्शन है एड अनदर अकाउंट और यहाँ पर अपने दोस्त का ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए ये मेरा फ़ोन है और ये फ़ोन खो गया है, मुझे नहीं पता ये फ़ोन कहाँ पर है और ये फ़ोन का मैं पता लगाऊंगा, ठीक है। तो ये फ़ोन में जो भी ईमेल आईडी लॉगिन है वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लॉगिन करना, ऐड अनदर अकाउंट के ऊपर क्लिक करके। पहले से यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन है मैनेज योर गूगल अकाउंट, मैनेज योर गूगल अकाउंट यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों आप इससे किसी का लोकेशन पता कर सकते हो, अगर आपका दोस्त का फ़ोन खो गया वो पता कर सकते हो, अपने फ़ोन का पता कर सकते हो। मैं आपको ये अलग कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ लेकिन आपको क्यों यूज़ करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये मैं एजुकेशन पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए पर्सनल इन्फो डेटा स्वाइप कीजिए और ये देखिए ऑप्शन है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सिलेक्ट करना है। फिर थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आइए, नीचे आइए और यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन है योर डिवाइस और ये ईमेल आईडी जिस भी फ़ोन में लॉगिन होगा वो यहाँ पर शो करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए वन प्लस रेडमी नोट 7 और ये रेडमी फ़ोन है, ये रेडमी फ़ोन है और इसमें ये ईमेल आईडी लॉगिन है। और नीचे यहाँ पर देखिए फाइंड ए लॉस्ट डिवाइस यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे कुछ सेकेंड आपको वेट करना है और यहाँ पर नीचे देखिए वो जीमेल आईडी जिस भी डिवाइस में लॉगिन होगा वो सारे डिवाइस यहाँ पर शो करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए रेडमी नोट 7 तो यहाँ से डिवाइस सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे यहाँ पर देखिए 20 मिनट्स एगो, जितने मिनट पहले ये एक्टिव होगा वो आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से क्लिक करना है रेडमी नोट 7 ये फ़ोन मुझे ढूंढना है, ठीक है। और यहाँ से इसे कट कीजिए और यहाँ पर जैसे करोगे यहाँ पर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर देखिए लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन आपको देखने को मिलेगा ये फ़ोन जहाँ पर भी अभी है। मैं आपको यहाँ पर जूम करके नहीं दिखा सकता, नहीं तो आपको मेरा लोकेशन पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए शिरडी साई टेम्पल, विजु कल्याण मंडप, ठीक है, गवर्नमेंट हाई स्कूल, ठीक है। तो यहाँ से जितना आप जूम करोगे एग्जैक्ट लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये डिवाइस अभी है कहाँ पर जो आपका फ़ोन खो गया है। फिर नीचे यहाँ पर है कि अगर वो वाईफाई से कनेक्ट होगा यहाँ पर वाईफाई शो करेगा, अगर मोबाइल डेटा उस पर ऑन होगा मोबाइल डेटा शो करेगा। और नीचे यहाँ पर है कि बैटरी परसेंटेज 71% मैं आपको दिखा देता हूँ, देखना ये वाले फ़ोन में जो खो गया है इसमें भी वही सेम परसेंटेज होगा, एग्जैक्ट आपको वही डिटेल देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए देख सकते हो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ पर देखिए 71% अगर आप देखोगे यहाँ पर सही से, ये देखिए 71% देख सकती हो और यहाँ पर भी देखिए 71%, ठीक है, ये देखिए 71% यहाँ पर है। और यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन है प्ले साउंड, जैसे यहाँ पर देखिए मैं प्ले साउंड के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखना जो फ़ोन खो गया है देख सकते हो यहाँ पर, चलो इसमें बंद कर लेता हूँ। इस तरीके से आप यहां से ये प्ले साउंड भी कर सकते हो, फ़ोन जहां पर भी होगा वो साउंड प्ले होगा और आपका फ़ोन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप आसपास होगा आपको नहीं मिल रहा होगा। उसके अलावा यहां पर ये ऑप्शन से और बहुत सारे ऑप्शन से, चलिए इसे मैं यहां से देखिए यहां से फिर से करता हूं प्ले साउंड, देखिए फिर से प्ले साउंड हुआ, मैं इसे बंद करता हूं, ठीक है। तो ये देखिए उसके अलावा यहां पर और भी ऑप्शन हैं, जैसे यहां पर देखिए सिक्योर डिवाइस, अगर आप यहाँ पर सिक्योर डिवाइस के ऊपर क्लिक करोगे वन टच वो फ़ोन यहाँ पर लॉक हो जाएगा, फिर उसे सर्विस सेंटर जाना होगा फ़ोन अनलॉक करने के लिए। इरेस डिवाइस यहाँ पर क्लिक करके उस फ़ोन में जो भी डेटा है उसे भी यहाँ से डिलीट कर सकती हो अपने फ़ोन से जिस भी डिवाइस में आपने लॉगिन किया है।
अपना फ़ोन से आप सभी डेटा को डिलीट कर सकती हो। और ये ट्रिक आप यूज़ कर सकती हो अगर आप किसी को लोकेशन जानना है, उसका फ़ोन कहाँ पर है, दोस्त का लोकेशन पता कर सकती हो, अगर उसका फ़ोन खो गया वो पता कर सकती हो, अपने फ़ोन के बारे में डिटेल पता कर सकती हो, आपका फ़ोन कहाँ पर लोकेट है। लेकिन ये एजुकेशन पर्पज़ से है, अगर आपका फ़ोन खो जाता है इजीली आपको आपका फ़ोन मिल जाएगा इस आसान से तरीके से फॉलो करके। तो मुझे उम्मीद है आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।